बिस्मिल्लाह क्या बात है। हाँ भाई जो पुत्र पीछे बैठे हो नाराज हो फिर उठो नारा लाओ उठो रलके रलके सोना करके शाबाश शाबाश हैदरी छतके जाओ इस तू तो चलिए खुले रहे दरो दीवार का पाए दिल के मैं तो सोची किसे तोड़ जाइए असी हलाली हरामी नहीं पढ़ सकते मस्कीन लोग हाँ असी किसे चले जाइए असी किताबा पढ़ बैठे असी किसे जाइए तुसी साडे नाल नहीं बोलोगे तो असी किसे मरीए खुले रहे दरो दीवार का पाए दिल से खुले रहे दरो दीवार का पाए दिल के जिधर से चाहे ये आए जरा भी चू न करो खुदा ने कह दिया तेरा रजब को दुनिया से खुदा ने कह दिया तेरा रजब को दुनिया से अली को पीठ करो तो हरम को मुंह न करो। हाय 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 क्या बात है राजी इस तरह मेरे मोहतरम मेरी शहजादी आपके राजी खुले रहे दरो दीवार काबा दिल के खुले रहे बैठो बेटा शाबाश क्या बात है चार में से और सुन तू बोलता मैं सुबह कर दू गई इस शान से बिनते असद रहमान के घर में इस मजमे को ना हसन भाई कम से कम 50,000 अब दो इतना बड़ा मजमा था कल सुबह कंग भाई मुख्तार मेरे सामने बैठा था मैंने वहाँ कंग में बाटापुर के जश्न का ऐलान किया मिंबर पे कंग में मैंने गुजरात में बाटापुर के जश्न का ऐलान किया और मुख्तार से वादा किया जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ से शुरू करूँगा मुख्तार से पूछिएगा कि इतना बड़ा पिंडाल उठ के खड़ा हो गया मैं ये नहीं चाह रहा तू खड़े होके बोल मैं चाह रहा हूँ तुझे मेरी बात समझ आए तो मुझे कीमत दे गई ये शाम से बिनते असद रहमान के घर में हरम की सामनी दीवार पे अब तक निशान ठहरा आए हाय हाय ये निजामत अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेटा इन बच्चों को जरा आप पीछे उठा लो मेरा बेटा मेहरबानी करो जिसके भी बच्चे हैं थोड़ा सा पढ़ने दो आपकी बड़ी मेहरबानी गई है शान से मेहरबानी गई है शान से गई चलो मेहरबानी पढ़ने दो गई है शान से बिनते असद रहमान के घर में हरम की सामनी दीवार पे अब तक निशान ठहरा हरम की सामनी दीवार पे जाकिर समझो नौकर समझो शायर समझो मेहमान समझो 40 अशरे पढ़ चुका हूँ 40 साल हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते बूढ़ा हो गया हूँ चार नस्लें मुझे सुन के जवान हो गई हैं ये वास्ता अली का जिसे समझ आए भाई हसन वो ज़रूर बोले जिसे न समझ आए उसकी मर्जी हरम की सामनी दीवार पे अब तक निशान ठहरा अबू तालिब का हर दुश्मन बताए आज शौकत को भला काफिर की जौजा का खुदा क्यों मेजमान आए हाय आए हाय सलाम है सलाम है ना बुजुर्ग भैया अल्लाह अकबर मोहब्बत का तुम इनकार करो पर हैदर की मोहब्बत का एक बार तो मैं दाद दे फिर करता रहनी है हैदर की मोहब्बत का
हैदर की मोहब्बत का तुम इनकार करो पर काबे में सजी बज़्म तरब याद रहेगी। शाबाश शाबाश। उर्दू भी सुनिया करो ना। बज़्म तरब ते बुजुर्ग बोले ने ते जवान चुप कर गए। बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन्होंने चूंकि बुजुर्गों सुने अलमान सुने वो बज़्म तरब सुन के बोल पे उन्होंने मेहरबानी है, वरना मेरा तो दिल दुखी हो गया ना। मैं कह हैदर की मोहब्बत का तुम इनकार करो पर काबे में सजी बज़्म तरब याद रहेगी। एक बार तो पहुंचो कहीं दीवारे हरम तक ता हश्र तुम्हें तेरा रजब याद। हाय 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 हाय। सदके सदके जी भाईजान, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे। और बाहर वालों जियो, जिसके अंदर है अली वो बोले हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी बीबी बैठना नहीं। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। आगे आगे आ जाओ मुर्शिद, आगे आ जाओ। बड़ी जगह आगे आ जाओ। मोस्ट वेलकम। आगे आ जाओ आगे आ जाओ। बड़ी जगह है। मैं बिस्मिल्लाह कर। हाँ एक मिनट जहमत देनी है तुझे। बैठना नहीं, तूने छेड़ा है मुझे। मैं पढ़ने ही लगा था लेकिन अब मेरा पढ़े बगैर गुजारा नहीं। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। हद हो गई, अगले साल तूने मुझे सुनाने हैं। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, वो अंबिया के देश में आली मकाम है। इमकान के सभी रजी अल्लाह ये जान ले, मजदूर भी अली के अलैहिस्सलाम। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली नारा हैदरी। शौकत अली से सैयद पी मोहम्मद शाह बानी जिसे का बेटा। जितनी बारी आखो मैं बिस्मिल्लाह कर जी। पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब तक की फरमाए तो अच्छा मौला ही जिंदगी दे, मौला इज्जत दे जी, मालिक इज्जत दे जी, मालिक जी जी वो जी मजदूर भी अलैहि सलाम है। पाइन वाला खो बता खो फिर नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसाला नारे नौकर जनाब। हद हो गई क्या बात है यार, बुजुर्ग की दाद दे रहे हैं यार। सलाम है तुम। हद हो गई बिस्मिल्लाह बेटा, हद हो गई। इतने बह जा फिर आएगा फिर जाएगा, पता नहीं कितनी बारी आना पैना। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। हद हो गई जिन्होंने बनाया। हद हो गई। नहीं यार मैंने आपकी मिन्नत भी की है। अब पुत्रा तेरी बड़ी मेहरबानी पढ़न दे। ऐ तेरा तरला यार के कदे जशन ते गए कैसा आताई है कुरान दी कसम। दरूद पढ़ो यार मिलके बुलंदा वा। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। ओ बेटा लड़ नहीं जशन सुन, मेरा बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी जशन सुन। हद हो गई जिन्होंने वापस आ जा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह ने बोला अली अली। हद हो गई, हद हद हो गई। कायनात का बुलंद तरीन प्लाट काब कहते हैं उभरी हुई जगह को, या तुम काबैन तक मसा नहीं करते। अक्सलू वजू हकुम वायदी हकुम और मसा करो उभरी हुई जगह तक। कायनात का उभरा हुआ महंगा प्लाट, महंगे प्लाट पे कायनात के महंगे तरीन मजदूर।
क्या बात है बुजुर्गो, तुहाडियां पुत्रां दे शार होवन पीरां सलाम ही ने चिट्टियां दाड़ियां ते एडी वड्डी दात मेरे मोहतरम। हाँ आप मेहरबानी करें ना, आपको ढंग आता है, जिन्हें सुनने का सलीका आता है वो लोग चुप कर जाएं तो मैं कैसे पढ़ूंगा। बेटा हाथ खोल मेरा बच्चा, महंगा तरीन प्लाट, मजदूरों को मजदूरी में कम से कम इमामत, आगा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। हसन भाई राजी रहना यार, मौला आपकी वालदा को इज्जत अता फरमाए। जी बेटा जजाए खैर हो मेरा बच्चा, बड़ी मेहरबानी, जियो सलामत रहो। मजदूरों को मजदूरी में कम से कम इमामत। मैं किधर मरूं, मैं किधर चला जाऊं? ये बच्चे मुश्किल बातें सुनते नहीं, आसान बातों की नहीं आदत हो गई है। मजदूरों को मजदूरी में इमामत मिल गई और जदोलंबिया ने कहा फजद फी है, कुछ और भी दे। इमामत लेके इब्राहिम ने कहा कुछ और भी दे, ऊपर से आवाज ही बनाया तो एक घर है, कौन सा अली के किसी नौकर को लंगर करा दिया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारे 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 विकास, सारे हाथ ऊंचे, हाय दरी, अल्लाह सलाम है बुजुर्गो, तुहाडे पुत्र जीवन जवानियां मानो, सदा सुखी रहो। सैयदुल मलाइका ने ईंट उठाई, फरिश्तों के उस्ताद ने ईंट उठाई, उठा के सरकार इस्माइल के हवाले की, 2000 रकात शुक्राना पड़ी। इब्राहिम ने सरकार इस्माइल को दी 2000 रकात शुक्राना, सरकार इस्माइल ने सरकार इब्राहिम को दी 2000 रकात शुक्राना, सरकार इब्राहिम ने तामीर की रखी 2000 रकात शुक्राना। नुकसान मेरा यही करोगे, हसन से कहोगे सहंदा नहीं बुलाना, न बुलाना, 3 मास जिसके घर की एक ईंट लग के 6000 रकात नमाज शुक्राना पढ़े उस बादशाह को शरीयत में आनी। अल्लाह अकबर, पुत्र जी मां तोड़े नसानी कर रहे बारा ले मां, तुम्हें एहसान करो दरवाजे वाले, हाथ ऊंचे 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 ऊंचे, हाय नबी, सलाम है। ये मैं आ रहे, ये करम है, हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। आपके बोलने की क्या बात है, हद हो गई जिन्होंने बनाया। दिन को मुझे 4 मिसरों का हुक्म हुआ है, बड़े लाड से किसी मातमी ने कहा जी बाटापुर आ रहे हो तो 4 मिसरे पढ़ देना। मैं माहौल बना रहा था, अब बन गया तो मैं पढ़ देता हूँ। दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है, होने लगे हैं ठीक करोना के कुछ मरीज, मत भूलना के बोझ से अली ला इला। बेटा पढ़न दे मेरा पुत्र, फुल बेचना ऐसे बेसुआदे हो यार। आपके क्या कहने, आपके सुन मेहरबानी सर, आप जिए आप सलामत रहें, सिवाय गम हुसैन के आप हर गम से महफूज रहें। बेटा आप मेरा कल हैं, आप मेरा मुस्तकबिल हैं, मुझे आप पे नाज है बेटा, आप मुझसे बात सुनेंगे तो आगे सुनाएंगे। जब आप अपने कॉलेज में पीरियड अटेंड ही नहीं करेंगे, अपने टीचर को सुनेंगे ही नहीं, आगे कैसे सुनाएंगे? जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अली है, अली सुनो जाके दुनिया को सुनाओ, 2-4 दिन की बात है, जो सुन लेगा अली उसके अंदर चला जाएगा। अल्लाह अकबर, हजारों साल जी आप, तकरीबन 28-29 मिनट के करीब मैं नौकरी कर चुका हूँ, 25-30 मिनट और आपके चाहिए, और टुकड़ा मुझे नज़्म का वो पढ़ना है
जो आज तक मैंने नहीं पढ़ा। अपनी जिंदगी की तारीख में पहली बार पढ़ रहा हूँ। परसों का है मैंने इस जश्न के लिए। ये भी वादा, ये वो लोग हैं जो मुझे हर जश्न में सुनते हैं, पूरे मुल्क में सुनते हैं, जैसे फैसल है, जैसे सकलैन है, जैसे नौमी है, जैसे अबरार भाई हैं, जैसे और ढेर सारे दोस्त अहबाब हैं, वो लाहौर के हर जश्न में होते हैं। वादा रहा सिर्फ यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये नज़म यहाँ के लिए लिखी है, यहीं पढ़ रहा हूँ फैसल। आप सुन लेंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो गाड़ी में अपने आप को सुनाता रहूँगा। सिर्फ चार में से और सुनो, माहौल बने। और मैं तेरे इदराक में, तेरे इदराक में कब है ये दराड़ों का तलेस। मुल्ताना टोरियां ते लाहौर आ गया ते तुसी दराड़ां दे तलेसम ते चुप कर गए हो, किथे टोर जां? इंडिया वाले वीजा नहीं देंदे, लाहौर वाले दाज नहीं देंदे। अच्छा जी की करिए, तेरे इदराक में कब है ये दराड़ों का तलेसम। दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है, ये हक था इसका वो जो बुजुर्गों ने अदा कर दिया, ये हक था इसका जो बुजुर्गों ने अदा कर दिया। अल्लाह करे भाईजान हाथ ऊंचा रहे। मेहरबानी बेटा, थैंक यू। तेरे इदराक में कब है, तेरे इदराक में कब है ये दराड़ों का तलेसम। दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है, दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है। मैं भूला भी नहीं, मैं थका भी नहीं, जब तक तेरी पूरी तवज्जो नहीं होगी मैं पढ़ूंगा नहीं। दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है, सदियों पहले यहाँ एक शेर की माँ आई थी, ये उसी शेर की दीवार मेहरबानी। हाय हाय हाय, अगर जान हर बंदा तो इसमें नहीं बोलेगा ना। मेरी कब्र की रात तक मेरे गवारे ना हो, मेरे जनाजे में शिरकत करना, और गवारे ना मैं मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूँ माँ का शुक्रिया अदा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह है व खलीफतु बिला फसल, मैंने आंखों से पढ़ा है। तुम्हारा रसूल फरमाता है माँ अच्छी ना हो अली मानने में आता है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे साथ वादा करो तुम्हें अली की कसम है, मुझे अकेला तुम ही करोगे, बोलोगे माँ को तहजीब की दुनिया का जहां कहते हैं, माँ को ही फर्श पे खालिक की जुबान कहते हैं, वो तो डायन है अली दुश्मनी बांटी जिसने, जो अली कहना सिखा दे उसे माँ। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। जिटा बेटा क्यों ना शौक साहब ने शेर पढ़े ओडे ओडे ना ना ला दियो, पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक ऐसा ना ना ला दियो, नारी दीवान में जब चा दियो ऊंचा बोल के पंजा खोल के चल भाई जी दाद दी थी, चार में से तू सुन, चार में से और सुन फिर। कहने नहीं मैं नारोवाल तो तुम सुनना आया पूरे पाकिस्तान इतों के। अच्छा वेख लिया सी दूर तो आंदा घर ने अपने साइया नू, आगे जी इनाम दिता जो तो फिर चार मिसरे पंजाबी सुनो। वेख लिया सी दूर तू आंदा, पीछे की है पुत्र किनू वेखना, मैं बुला देना फिर मैनू वेख यार।
वेख लिया सी दूर तू आंदा घर ने अपने साइया नू वेड़ा शुक्र गुजार भी होया लगिया तोड़ चढ़ाइया नू हाय 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 है कोई जो पंजाबी जुबान का मजा ले वो चेहरा वो हक अदा हुआ भाईजान वो हक अदा हुआ वेख लिया सी बाद अगे आके बह गए वेख लिया सी वेख लिया सी हाजर जनाब तामील होगी फड़ू फड़ू हजारों साल जियो वेख लिया सी दूर तू आंदा घर ने अपने साइया नू मैंने वेखी पंजाबी सुनी वेख लिया सी दूर तू आंदा घर ने अपने साइया नू वेड़ा शुक्र गुजार भी होया लगिया तोड़ चढ़ाइया नू इस्तकबाल करीम ने कीता इंज इमरान जी जोजा दा काबे दी दीवार ते लिखिया खालिक ने जी आइया नू जी मैं फिर पढ़ांगा जी नौकरी करांगा मलिक साहब ने फरमाया भी गल बड़ी वड्डी है तो एक बारी फिर कर है तुहाडी भी इजाजत वेख लिया सी दूर तू आंदा घर ने अपने साइया नू वेख लिया सी मेहरबानी मेहरबानी वेख लिया सी दूर तू आंदा घर ने अपने साइया नू वेड़ा शुक्र गुजार भी होया लगियां तोड़ चढ़ाइया जिहड़े पंजाबी जुबान का मजा लै सकते हो वेड़ा शुक्र गुजार भी होया लगियां तोड़ चढ़ाइया नू इस्तकबाल करीम ने कीता इंज इमरान दी जोजा दा काबे दी दीवार ते लिखिया खालिक ने जी आइया सदके सदके बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर परेशान परेशान बैठा जो मैच ना हर गया इजी होके बह कुछ नहीं हो जी हुक्म करो काबे दी दीवार पे लिखिया खालिक ने चलो चार मिसे और पढ़ते तकल्लो फन भी न ठहरी जरा सी बिनते असाद यार तुम्हारी मेहरबानी यार तुम्हारा शुक्रिया यार ये जो बच्चे खड़े हो यार तुम्हारी मेहरबानी भाईजान आपका एहसान है हसन भाई बहुत शुक्रिया यार ये पिंडाल मुहैया करने का अपराध शादी शुक्रिया इस क्लास के लोग मेरे सामने बिठा दिए सकते हैं यार सलाम है बुजुर्गों को इनके बुजुर्गों को सलाम है मलिक जी बड़ी मेहरबानी बड़ी औखी जी गल सी अल्लाह अकबर तकल्लो फन भी
न ठहरी जरा सी बिनते असद, अली की माँ का कोई घर में आना जाना है। हाय हाय हाय, सदके सदके सदके, सनी जीवो, फैसल हाथ ऊंचा मेरा पुत्र, अमीर जीवो, सदके। तकल्लो फन भी न ठहरी जरा सी बिनते असद, तकल्लो फन भी न ठहरी, तकल्लो फन तेन ते कुछ भी नहीं होया मेरा पुत्र, अल्लाह करे तेन कुछ ना हो, जूंदा रहो तू, जवानी मान तू, मौला ते नजरे बातों महफूज रखा। तकल्लो फन भी न ठहरी जरा सी बिनते असद, तकल्लो फन भी न ठहरी जरा सी बिनते असद, अली की माँ का कोई घर में आना जाना है। हिजाब डालती फिरती है बावली दुनिया, दरार दिल पे है दीवार का बा कोई घर में चली यार वेखी जाएगी इस तू चलिए। आठ मरतबा अब तक कम से कम कोशिश हो चुकी है, सऊदी और यहूदी हुक्मरान मिलकर पूरा जोर लगा चुके हैं, किसी तरह ये निशान चला जाए, किसी तरह ये दरार चली जाए। जब नहीं गया तो मोटे मोटे पर्दे लगाए हुए उस निशान को छुपाने के लिए, मोटे मोटे पर्दे लगाए हुए। शौकत कहता है ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए, इसीलिए तो दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये डर।